के हिसाब से बहुत ही अच्छा सेशन रहा, और उन्होंने अपने जो प्रेजेंटेशन को सही समय पर किया, पहली बार के हिसाब से सही समय पर किया। तो ये सेशन हमें डेली कुछ ना कुछ सिखाते हैं, कुछ ना कुछ बताते हैं, क्योंकि हम लीडर्स हैं और लीडर्स बनने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी हम सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ रहे हैं, तो ये हमें डेली कुछ ना कुछ सिखाते हैं। और हमें जो भी हम काम कर रहे हैं आज, जो है वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, एक महान काम कर रहे हैं। तो हमें डेली व डेली दिन पर दिन सीखना है। बहुत सारे लोग आते हैं और उनको थोड़ा सा ईगो होता है कि मैं 10,000 रुपये की नौकरी कर रहा हूँ या 20,000 की नौकरी कर रहा हूँ, और सीखने की कोशिश नहीं करते। लेकिन यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपये कमा रहे हैं महीने के, जो है 3 लाख रुपये कमा रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि यहाँ पर फ्यूचर बहुत बड़ा है, आने वाला समय बहुत अच्छा है, बहुत सुनहरा भविष्य है। वो डेली दिन पर दिन सीख रहे हैं, अच्छी तरह सुन रहे हैं, और अपनी कमियों को बाहर निकालने के लिए पूरी तरीके से उसको सुन करके वो देखते हैं कि मेरे से कहाँ कमी होती है। मैं प्रेजेंटेशन लेता हूँ तो क्या दिक्कत होती है, मेरे अंदर क्या हेजिटेशन है, मेरे अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको पूरे तरीके से देखते हैं और समझते हैं, फिर उनमें बदलाव करते हैं और सुधार करते हैं। और मैं आज गोल्ड लोन हूँ, आप सभी की वजह से, सभी लीडर्स की वजह से, सभी टीम की वजह से, अपने अपलायन की वजह से, तो मैं भी आज सीख रहा हूँ पूरी तरीके से, और सीखने के प्रोसेस में हूँ, पूरा सीख रहा हूँ। और मैं तब तक मुकम्मल नहीं हो पाऊँगा, तब तक अपनी टीम में 4 HD नहीं बना पाऊँगा, तब तक मैं पूरा मुकम्मल नहीं सीख पाऊँगा। तो मैं चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान का एक अच्छा स्टूडेंट बनूँ, एंस के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा मैं सीखूँ, हर चीज़ को, हर बात को ज़्यादा से सीखूँ। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जितने भी टीम लीडर्स की मीटिंग्स होती है, चाहे वो अदर टीम की हो, चाहे अपनी टीम की हो, क्योंकि सारी टीम हमारी अपनी है, क्योंकि हमारी सोच जो है वो मिस्टर लीजुरान जी की सोच से हमें मैच करना है। उनकी सोच है कि वन वर्ल्ड वन फैमिली, उसी सोच से हमें सोच को मैच करना है। ये कोई बिजनेस बहुत बड़ा ताकत लगाने का नहीं है, ये बिजनेस कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने का नहीं है, बस अपनी सोच को मिस्टर ली की सोच से मैच करना है, और उनके कदम दर कदम जो बढ़ रहे हैं आगे, उस पर हमें काम करना है। जितने हमारे अप्लायंस हैं, ग्रेट अप्लायंस हैं, जो एक्टिव तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, अपनी रैंक को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने पेआउट को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके कदमों पर हमें कदम रख करके चलना है। उनके हर कदम पर हमें कदम रख के चलना है। अगर हर कदम पर हम कदम रख के चलेंगे तो हम भी वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ वो पहुँचे हैं। बस इन्हीं चीज़ों को सीखना है कि हम जो काम कर रहे हैं क्या वो सही कर रहे हैं। आज जो मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग सेशन होते हैं, उनमें हम यही सीखते हैं कि क्या हम सही से कोई काम कर पा रहे हैं, कहाँ हमारी गलतियाँ हो रही हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि आज जूम मीटिंग में नहीं है, कहीं ना कहीं वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या जो लोग काम कर रहे हैं उनकी बात अलग है, जो डेमोंस्ट्रेशन कर रहे हैं उनकी बात अलग है, जो लोग प्लान दिखा रहे हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं और अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, वो इस सिस्टम में वो कुछ नहीं कर सकते। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या उन्होंने मीटिंग्स को ज्वाइन करके उन्होंने अलग अपने मोबाइल को रख दिया है, पूरे सेशन को नहीं सुनते हैं, वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो यहाँ पर कहीं कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनका वीडियो ऑन नहीं है, जो कि अपने कुछ ऐसी स्थिति में बैठे हुए हैं जो कि वीडियो ऑन नहीं कर सकते, लेकिन सुन पूरा रहे हैं। मैं भी कभी वीडियो ऑफ कर लेता हूँ जब मैं सही पोजीशन में नहीं होता है, सही जगह पर नहीं होता, या मेरा मेरा बैकग्राउंड है वो अच्छा नहीं होता, तो मैं भी वहाँ पर जो अपने वीडियो को ऑफ कर लेता हूँ, लेकिन सुनता मैं हूँ, एक एक बात को सुनता हूँ। किसी भी मीटिंग्स में जाता हूँ तो सुनने के लिए जाता हूँ, इसलिए नहीं जाता कि मेरा नाम हो जाए, मेरा वहाँ पर हाजिरी लग जाए, इसलिए नहीं जाता। मैं हर शब्द को सुनता हूँ, जहाँ पर भी मैं जुड़ता हूँ वहाँ पर अगर मेरे को आवाज़ लगाई जाती है तो मैं वहाँ पर पूरी तरीके से हाजिर होता हूँ और अपने बात को कहता हूँ। तो हमें सिर्फ यहाँ पर इसलिए आना है कि अपने आप को सीखना है, अपने जो चीज़ें गलतियाँ होती रहती हैं उनको हमें समझना है कि क्या गलतियाँ होती हैं, क्या चीज़ें होती हैं जो हमें सीखना है, क्या मिस्टेक्स होती हैं जो कि हमें अपनी मिस्टेक्स को दूर करना है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं डेली। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जो है जितने भी लीडर्स यहाँ पर हैं उनको अपने आप को सीखना है, अपने जो मिस्टेक्स हैं, अपनी जो कमियां हैं उनको पूरा करना है। मैं आज यहाँ पर हूँ, चाहे मैं LD पेशे से ले रहा हूँ, चाहे मैं OPP पेशे से लेता हूँ, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ, सिर्फ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ।
मैं सिर्फ यहाँ से अपने अनुभवों को शेयर करता हूँ, मैं किसी को सिखाने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ, सिर्फ अपने अनुभवों को शेयर करता हूँ। और मैंने अपने अनुभवों को शेयर करते 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 आज मैं अपनी टीम के द्वारा अपने अनुभवों को शेयर करने के बाद मैं यहाँ पर गोल्ड लोन बना हूँ। और मेहनत की है हमारी टीम ने, और हमने टीम को एक ऐसा सिस्टम दिया है कि वो उस पर चल करके एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। और जितने भी लीडर्स आज मेहनत कर पा रहे हैं, वो अपनी मेहनत की वजह से हैं, अपने दम पर हैं, अपने पूरे सिस्टम को साथ में लेकर के चल रहे हैं, अपनी टीम को एजुकेशन दे रहे हैं, इसी वजह से ऊपर हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है। बहुत सारे लीडर्स हैं जो कि मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप पूरी तरीके से सक्रिय हैं इस टेंस बिजनेस को लेकर के तो ही करें, सक्रिय नहीं है तो अपना टाइम वेस्ट ना करें। क्योंकि जो सक्रिय हैं वो 9:55 पर अपना जूम को ओपन करते हैं, जो सक्रिय हैं, जो जाना चाहते हैं वो तो आगे, जो जाना चाहते हैं अपलायन के, अपलायन से भी आगे और अपलायन के साथ, अपलायन से मिल करके, वो 9:55 पर अपना लगाते हैं, अपना जो अलार्म लगाते हैं, और एक लगाते हैं 10 बजे का। 9:55 पर अगर नहीं जुड़ते हैं तो वो 9:10 बजे वाले में अपने ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं। मेरे जिस भी सेशन को सुनता हूँ वहाँ पर 5 मिनट पहले का लगाता हूँ और सही एग्जिट टाइम को लगाता हूँ। और कोई मिस्टेक कॉल बीच में आ जाती है, ध्यान नहीं रहता, तो मैं 5 मिनट बाद 101% जुड़ जाता हूँ। अगर मैं नहीं जुड़ पाता हूँ तो इस वजह नहीं जुड़ पाता कि कॉल पे कनेक्ट रहता हूँ, उनसे बात करता रहता हूँ, इस वजह से कभी लेट हो सकता हूँ, लेकिन बाकी मैं कभी भी लेट नहीं हो सकता, मैं 9:55 पर भी जुड़ता हूँ। तो अगर जो लोग सक्रिय हैं, जो जाना चाहते हैं हमारे साथ, कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहते हैं, और मेरी टीम में अगर 10,000 लोग हैं तो मैं समझता हूँ कि कौन कौन लीडर्स एक्टिव हैं, मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के तैयार हूँ। उनको उनको जो है ऊपर ले जाना, उनको रैंक को ब्रेक कराना, उनको विजेता घोषित करना, उनको विजेता, उनको एक साहस देना, उनको जो है, और उनको एक अच्छे लेवल पर लेकर जाना, अच्छी इनकम पर लेकर जाना मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि वो लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, घर छोड़ करके वो एक दूसरे शहर में जा रहे हैं, अपना पैसा खराब कर रहे हैं, अपने पूरा सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनके साथ लगूं और उनके साथ मेहनत के साथ उनको आगे लेकर के जाऊं। तो जितने भी लीडर्स हैं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देख पाता, हर लीडर्स को मैं देख पाता हूँ कि कितने लीडर्स काम कर रहे हैं मेहनत से, कौन कौन लीडर्स टीम पर काम कर रहे हैं, कौन कौन लीडर्स सेंटर पर काम कर रहे हैं। जो लोग सेंटर पर काम कर रहे हैं वो भी एक महान काम कर रहे हैं, जो लोग लीडर्स पर काम कर रहे हैं वो भी एक महान काम कर रहे हैं, जो लोग प्रोडक्ट्स पर काम कर रहे हैं वो भी एक महान कर रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं और सब मेरे को दिखता है। जो लोग भी आज लगे हुए हैं, पूरा तन मन धन के साथ लगे हुए हैं, पूरी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं, पूरे परिवार के साथ लगे हुए हैं, मैं उनके साथ हूँ, पूरे 24 घंटे साथ हूँ उनके साथ। और कोई भी कहीं भी परेशानी, कहीं भी कोई दिक्कत आती है, मेरे को रात को 2 बजे, रात को 1 बजे, रात को 3 बजे, कभी भी इमरजेंसी में आप कॉल कर सकते हैं। कभी भी इमरजेंसी में कोई खास काम होता है तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी बात करा सकते हैं किसी भी लीडर से। कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो मेरे से आप बात करा सकते हैं। क्योंकि मुझे सिर्फ चाहिए सभी लीडर्स की कामयाबी, बस मैं कामयाबी चाहता हूँ हर लीडर्स की, कामयाबी चाहता हूँ हर जो भी नए लीडर्स जुड़ रहे हैं उनकी, और कामयाबी चाहता हूँ जो लोग मेहनत से काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो सेंटर्स पे काम कर रहे हो, चाहे वो लीडर्स पे काम कर रहे हो, चाहे वो नेटवर्क पे काम कर रहे हो, चाहे वो प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, उनका काम जो है वो दिखता है मेरे को, हर महीने दिखता है कि कितने लीडर्स काम कर रहे हैं, हर महीने दिखता है। तो हमें काम पर विश्वास रखना चाहिए, ना कि हमें नाम पर विश्वास रखना। नाम तभी होगा तब आपका काम होगा, काम से जो नाम होगा वो एक ऐसा नाम होगा जो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी आपका नाम होगा। आपने एक महान काम किया है तो महान लोगों की श्रेणी में आप आएंगे, जैसे हमारे पांडे सर जी हैं, पूरी दुनिया में उनका नाम है, 55 कंट्री वो अब तक तो विजिट कर चुके हैं। मैं उनके नक्शे कदम पर पूरी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि 50% भी कॉपी में कर पाऊँ उनकी, जो है तो मैं भी आगे बढ़ पाऊंगा। क्योंकि एक मेहनत करने वाला व्यक्ति जो है उसकी हमें कॉपी करनी है, और सिस्टम से जो काम करते हैं, सिस्टम जो मेहनत करते हैं उनकी हमें कॉपी करनी है। मेहनत एक मजदूर भी करता है जो 500 रुपये रोज लेकर के आता है, 500 रुपये झाड़ी लेकर के आता है, वो भी मेहनत करता है, लेकिन हमें उनकी कॉपी करना है। सिस्टम से काम करते हैं, सिस्टम से वो मेहनत करते हैं, सिस्टम से, और एक पेशेव इनकम के लिए काम करते हैं, और आज वो पेशेव इनकम ले रहे हैं, तो हमें आज पेशेव इनकम के लिए काम करना है जो हमें पेशेव इनकम दिला सकता है। तो जितने भी लीडर्स आज हैं जूम पर और जितने भी लीडर्स नहीं हैं जूम पर, जो है सिर्फ उन्हीं का बिजनेस चलेगा जो आज जूम सेशन पर हैं, या किसी भी पूरे 24 घंटे में किसी भी जूम सेशन पर रहते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं हर चीज़ को, उन्हीं का चलेगा, बाकी का नहीं चलेगा। बाकी को तो अपना टाइम बर्बाद करने वाली बात है सिर्फ, और कोई बात नहीं है, सिर्फ टाइम करने वाली बात है कि हम टाइम को बर्बाद करते हैं। अगर आप सीरियस हैं इस बिजनेस को लेकर के, अगर आप सीरियस हैं अपने सपनों को लेकर के, अगर आप सीरियस हैं अपने
पैसिव इनकम को लेकर के, अगर आप सीरियस हैं अपनी फैमिली को लेकर के, अगर आप सीरियस हैं कि हम हमारा एक परिवार बड़ा हो, हम एक लीडर बने, एक अच्छी टीम को लीड करें, तो आपको हर 24 घंटे में कम से कम एक सेशन को आपको सुनना पड़ेगा, कम से कम एक सेशन को आपको LDP सुनना पड़ेगा और एक सेशन का आपको OPP सुनना पड़ेगा, जिससे एक अच्छी OPP आप दे पाएँ और एक अच्छी LDP की तैयारी आप कर पाएँ। तो मेरा सभी से निवेदन ये है कि आज हमारे साथ 32 पार्टिसिपेंट हैं, तो 32 पार्टिसिपेंट आज वो पार्टिसिपेंट हैं जो कि मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, लगन के साथ काम कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। वही लीडर्स यहाँ पर हैं, जो सीखने की कोशिश नहीं कर रहे वो यहाँ पर नहीं है। तो जितने भी आज लीडर्स हैं, वो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि क्या क्या कमियाँ होती हैं कि वो सेंटर्स में फेल हो जाते हैं, क्या क्या कमियाँ होती हैं कि वो नेटवर्क पर फेल हो जाते हैं, क्या क्या कमियाँ होती हैं कि रिटेल सेक्टर में फेल हो जाते हैं। क्योंकि हम अपने अनुभवों को अगर शेयर नहीं करेंगे और अपने अनुभव अगर व्यक्ति नहीं लेंगे, लीडर्स नहीं लेंगे और उन पर सुधार नहीं करेंगे, तो वो बड़ी कामयाबी नहीं हासिल करते रहते। क्योंकि बड़ी कामयाबी के लिए समय लगता है, बड़ी कामयाबी समय मांगती है। दो चीज़ें हैं बड़ी कामयाबी लेने के लिए, कि बड़ी कामयाबी समय मांगती है और बड़ी कामयाबी दर्द की कोख से जन्म लेती है। बड़ी कामयाबी दर्द की कोख से जन्म लेती है और बड़ी कामयाबी में समय लगता है। दो चीज़ें हैं। अब दो चीज़ों को पूरा करने के लिए हमें पेशेंस रखना है और मेहनत से काम करना है और लगन से काम करना है और अपनी टीम को पूरा लीड करना है। ये चीज़ हमें सीखना है। तो जितने भी लीडर्स आज 33 पार्टिसिपेंट हमारे साथ हैं, 33 लीडर्स हमारे साथ हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो भी लीडर्स आज अनसक्सेस हैं अपने सेंटर्स में, वो इसलिए हैं कि उनको ज़्यादा सीखना है, ज़्यादा सीखते नहीं हैं और हर प्रोडक्ट के बारे में सीखना है। क्योंकि आपको हर पेशेंट को बताना है कि क्या प्रोडक्ट क्या काम करता है, क्या कंटेंट है इसके अंदर, कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि आपको आगे बढ़ाती हैं। तो पहली चीज़ तो है कि अपना जो कि आपको वेश होता है, अपना रूप, अपना आपका रूप होता है, वो आपको चेंज करना है। जैसे कि आप पहले पजामा पहन के जाते थे, या तहमत बांधते थे, या आप जो है कुर्ता पजामा पहनते थे, आप जो है किसी भी आप हालत में रहते थे, अपने लुक को बिल्कुल 90 डिग्री 180 डिग्री से आपको चेंज करना है। पहली चीज़ है कि आपको लुक को पूरी तरह चेंज करना है। अगर आप लेडीज़ हैं तो अपने एक अपना अलग लुक, अलग साड़ी, अलग तरीके से तैयार होना है। पूरा अपने अपने कपड़ों को सही ढंग से आपको पहनना है। ऐसा नहीं है कि आपने छोटे कपड़े पहन लिए और आप सेंटर पर बैठे हैं तो इस तरीके से नहीं चलेगा। आपको सही वेशभूषा पहनना है। आपको जो है जो भी आपकी वेशभूषा होती है इंडियन कल्चर के हिसाब से, उसके हिसाब से जो है, और अगर आप जेंट्स हैं तो आपको सही तरीके से एक डॉक्टर की रूपरेखा में बैठना है, उसके वेशभूषा में बैठना है, शेविंग बनाना है, सही तरीके से आपको बैठना है। पहला काम आपको ये करना है। दूसरा आपको काम करना है कि जब भी आप अपने हेल्थ सेंटर पर जाते हैं, आप अपने हेल्थ सेंटर का सफाई करें तरीके से, झाड़ू पोछा करें सही तरीके से। वहाँ पर आपका साफ़ सुथरा सेंटर्स होना चाहिए। जैसा भी सेंटर्स आपका है वो एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। बहुत सारे लीडर्स होते हैं कि वो एक बार झाड़ू लगा दी उसमें और एक हफ्ते के लिए छुट्टी हो गई, वहाँ डेली आके बैठ जाते हैं, अपना काउंटर पर वो कपड़ा भी नहीं मारते और वो सोचते हैं कि अब तो मैं टेंस का लीडर बन गया, टेंस का डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, एक डॉक्टर बन गया, अब तो पैसा ऑटोमेटिक आएगा, ऑटोमेटिक आएगा। ऐसा नहीं हो सकता, दुनिया में कहीं भी नहीं हो सकता। अगर एक MBBS डॉक्टर होता है तो वो भी अपना क्लिनिक को अपनी उसको सफाई करता है, वहाँ पर अपने काउंटर को साफ करता है, अपने टेबल को साफ करता है और जो पेशेंट की टेबल उसको साफ करता है, या उसके लिए कोई व्यक्ति रखता है सफाई के लिए जाए। तो हमें इसमें कोई शर्म नहीं करनी, अपने सेंटर को साफ सुथरा रखना है। और अगर कहीं भी कोई स्मेल आती है तो वहाँ पर स्प्रे वगैरह कर सकते हैं, सेंट वगैरह का जैसे कर सकते हैं। और इसके बाद हमें जो है वहाँ पर जो है बैठना है, और आपके पास पेशेंट आता है उसको पूरे टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है कि ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, ये एक्यूप्रेशर को मॉडिफाई किया है 1250 वैज्ञानिकों ने, और इसको जो है ये पूरा ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हमारी बीमारी क्योर करती है, और हमारे पास एक ऐसी अद्भुत मशीन है जो कि आपकी बीमारियों क्योर करेगी और बताएगी कि आपको क्या बीमारियां हैं और क्या होने वाली है। तो उसको आप जो है एक वीडियो दिखा सकते हैं, जो वीडियो है हमारी जो है जो वीडियो हमारी है एक्यूलाइफ की, वो दिखा सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर चेकिंग होती है। उसके से 2 मिनट की वीडियो, 3 मिनट की वीडियो है, उसको आप दिखा सकते हैं। उसको बिना दिखाए किसी का चेकअप ना करें। जब उसको आप दिखा देते हैं, एक थर्ड पार्टी होती है, एक न्यूज होती है, वो जब उससे कहती है कि हम वाकई में एक ऐसी मशीन है जो कि 1200 वैज्ञानिकों ने बनाई है, एक ऐसी अद्भुत मशीन है, और उससे आप जो है चेकअप करेंगे, तो वो जब आप उसको बताते हैं, उसको पेशेंट सुनता है, समझता है, देखता है, तो
वो विश्वास करता है और 500 रुपये फीस, 300 रुपये फीस, 1000 रुपये तभी आपको दे पाता है। और वो समझ पाता है कि मैंने आज जो चेकअप कराया है वो एक अच्छा चेकअप कराया है, मेरी बीमारियों को सही बताया है, और जब ये बीमारियां बता सकते हैं तो बीमारियों को ठीक भी कर सकते हैं। तो हमें वो वीडियो को जरूर दिखाना है, उनको बता सकते हैं कि आज जो है हमने जो आपसे फीस ली है उसमें हम आपको थेरेपी भी देंगे और आपको एक विश्वास होगा कि आप सही हो सकते हैं, आपका ट्रीटमेंट हो सकता है और आप क्योर हो सकते हैं डायबिटीज से, आप क्योर हो सकते हैं थायराइड से, आप क्योर हो सकते हैं बहुत सारी बीमारियों से। तो इस तरीके से आपको वहाँ पर बताना है, हर चीज़ को आपको वहाँ पर बता करके तब आपको ट्रीटमेंट चालू करना है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो क्रॉनिक पेशेंट होते हैं, उन पर हमें काम नहीं करना है, इसका उनका लीवर डैमेज है, उनकी किडनी डैमेज है, उनकी डायलिसिस चल रही है, उनके पेसमेकर लगा हुआ है, उनसे आपको बात भी नहीं करनी, पेसमेकर वालों को दूर रखना है, बीच में नहीं कराना है। तो बहुत सारे प्रिकॉशन हैं जो आपके सेंटर पर जो पोस्टर लगे हैं उन पर लिखे होते हैं, उनको हमें समझना है। तो आपका जब इस तरीके से आप काम करेंगे तो आपके पेशेंट ऑटोमेटिक आएंगे और आपको हर हफ्ते में 250 आपको आपको जो है जो फ्लेक्स होते हैं जो आपके पेपर होते हैं वो बांटना है, हर हफ्ते में 250 आपको बांटने हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि जब आप सेंटर को रन कर रहे होते हैं, नहीं पता होता लोगों को कि ये क्या टेक्नोलॉजी है, कैसे काम कर रहे हैं, वो बाहर से बोर्ड देख करके समझते हैं कि वो एक्यूप्रेशर वाले हैं, महीने 2 महीने काम करेंगे चले जाएंगे। तो हमें लगातार काम करना है, एक ही जगह काम करना है, तो हमें हर हफ्ते 250 पर्चे आपको बांटने हैं। आप पार्क में बांट सकते हैं, आप अपने गली मोहल्ले में बांट सकते हैं, और 1 किलोमीटर के दायरे में उन पर्चों को बांट रहे हैं आपके, 1 किलोमीटर के दायरे में आप उन पर्चों को बांटेंगे तो आपको ऑटोमेटिक रिजल्ट आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, हमें पर्चे बांटने हैं, जब पेशेंट को आना है तो वीडियो दिखाना है, सारी टेक्नोलॉजी को समझाना है, ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड पार्टी के द्वारा आप वीडियो ऐसी चूज कर लें अपने मोबाइल में, तो उन वीडियो को जरूर दिखाएं आप, जिससे उसको कॉन्फिडेंस आता है और वो डेली आएगा तो काम ऑटोमेटिक होगा। और ज़्यादा कोशिश ये करें कि मंथली फीस जमा कराएं, अगर 1 महीने की फीस आती है तो पेशेंट पूरे तरीके से महीने भर आता है, 25 दिन आता है, लेकिन पर डे अगर कोई पेशेंट का फीस लेते हैं तो वो 4 दिन आता है, 4 दिन छुट्टी करता है, वो सोचता है कि 400 रुपये मैंने बचा लिए, ये नहीं पता कि उसने 800 रुपये की बीमारी अपने अंदर ले ली जो है। तो हर दिन हमें जो है पेशेंट को क्योरिटी की तरफ ले जाना है, उसका मतलब यही है कि डेली हमारा BCM होना चाहिए, डेली हमारा BCM अगर होगा तो ऑटोमेटिक वो क्योरिटी की तरफ जाएगा, वो पूरी तरीके से बीमारियों से क्योर होंगी और ऑटोमेटिक वो ठीक होगा। तो हमें जो भी काम करना है वो सही सोच समझ के करना है, सही बातों को हमें अपने लेना है पूरी तरीके से, और उन बातों को लेकर के जो है पूरा उनको फोकस करना है, उतना सीखना है और इसके बाद काम करना है। तो आज बहुत सारी चीज़ें थी जो कि करनी थी, लेकिन समय हमारे पास कम है, हमें 11:30 का भी ध्यान रखना है। और कुछ हमारे पास ऐसे लीडर्स हैं अभी हमारे साथ जुड़े थे सऊदी अरब से, सोमनाथ मंडल जी जो कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं हमारे, और अभी वो नहीं है क्योंकि वो उस समय उनका काम का समय है और जुम्मे की छुट्टी होती है, तो जुम्मे वाले दिन वो अपनी शेयरिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी वो शेयरिंग नहीं कर पाए, अभी आउट हो गए सिस्टम से जो है, सोमनाथ मंडल जी जो सऊदी अरब से हैं। और बहुत सारे लीडर्स हैं जो कि आज मैं देख पा रहा हूँ जिनका वीडियो ऑन है हमारे साथ, अल्पना जी हैं चैंपियन टीम से जो है, मोहम्मद नवेद जी हैं हमारे अलीगढ़ से, हमारे हर्ष कुमार जी बहुत ही जबरदस्त उनका होस्टिंग रहता है, बहुत ही जबरदस्त उनका LDP सेशन रहता है, बहुत ही जबरदस्त उनका OPP सेशन रहता है, यूसुफ खान जी हैं, सहीम खान जी हैं फैजाबाद से जो कि बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं, और उनके साथ बैठे हैं हमारे कमल जी जो कि वो भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, सेंटर को रन कर रहे हैं। तो मेरा सभी सेंटर वालों से मेरा निवेदन है कि वो 250 पर्चे हर हफ्ते बांटें, फिर रिजल्ट देखें कैसा रिजल्ट आता है उनको जो है। और जो सेंटर्स 50,000 रुपये 40,000 रुपये कमा रहे हैं वही सफल सेंटर मानता हूँ मैं जो है, बाकी 10-20 हज़ार कमाने वाला सफल सेंटर नहीं होता। और जब वो 50,000 कमाते हैं तो उनका नेटवर्क ऑटोमेटिक चल जाता है। और हमारे साथ हमारे अधिकारी हैं दिल्ली से हैं KP यादव जी जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत सारी सेशन को सुनते हैं, अभी फिरोजाबाद में उन्होंने एक धूम मचा दी अपनी जो है मीटिंग्स में, उन्होंने संभाला पूरी स्टेज को, उसके मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ उनके लिए KP यादव जी को जिन्होंने पूरी स्टेज को वहाँ पर संभाला और अपनी होस्टिंग की। तो मैं चाहता हूँ कि सर थोड़ा शेयरिंग करें, कुछ बताएं अपनी अपने आज शिकोबाद फिरोजाबाद वो गए थे और उन्होंने अपना रन किया, तो वहाँ पर जो है कैसा रहा उनका जो है वो सफ़र और कैसा रहा वहाँ पर जो है फ्रेंचाइजी का ओपनिंग में उन्होंने जो है बहुत सारे लीडर से मुलाकात हुई थी। वेलकम सर, वेलकम KP यादव जी, वेलकम। माइक को अनम्यूट कर सकते हैं सर आप।
वेलकम सर, थैंक यू वेलकम सर। वेलकम। क्या मेरी आवाज क्लियर है? एकदम सर, एकदम क्लियर है आपकी आवाज, वेरी नाइस। थैंक यू ऑल लीडर्स, और बहुत अच्छा, आपके बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपकी फ्रेंचाइज के लिए, और बहुत अच्छा वहां पे एंजॉय हुआ, और जो नहीं पहुंचे उन्होंने जो मिस किया वो, मैं तो उनको यही कहूंगा कि जी उनका बस सौभाग्य नहीं था वहां पहुंचना जो उस माहौल को देखने का, और बहुत ही अच्छा लगा। और वहां के जो उधर शिकाबाद, फिरोजाबाद, टूडला, आगरा और इटावा, एटा, ये सारी सुविधा वहाँ उस फ्रेंचाइज से ले सकते हैं कि उन्हें अब कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें समय समय पे वहाँ पे सारी जो है ना हमारी फ्रेंचाइज के अंदर जो भी सप्लीमेंट्स जो हमारे ऑपरेटर्स जो भी होते हैं उनको वहाँ पे प्राप्त होंगे। और जो आज का जो ओपीपी सेशन था, जो पहली बार इन्होंने किया था, वो सबसे बड़ी बात है, जो पहली बार इतना अच्छा कॉन्फिडेंस के हिसाब से उन्होंने अपना बताया है, मैं बहुत दिल से उनको बधाई देता हूँ। और सर जो आपने अपनी जो है, आपका तो कहना ही कुछ है, जो हमें हर चीज को बताते हैं, समझाते हैं और लीडर्स को समझाते हैं, और वो अगर जो समझ लेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि बहुत जल्दी अपने जो है ना आपके साथ ही आपके कदमों पर चल के आगे बढ़ेंगे। और उन्होंने जितने जो हमारे साथ पार्टिसिपेंट अब भी हैं, आज बहुत खुशी है कि सही समय से जुड़े हैं, बाकी कुछ लेट हो गए थे, और आपका कहना बिल्कुल सही है कि हमें 9:55 पे हो जाना चाहिए, जुड़ जाना चाहिए, बाकी 10 बजे तक अवश्य है पहुंचना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सोचने की हैं। हमारे कुछ लोग हैं जो वीडियोस को बंद कर लेते हैं, हो सकता है कि वो अपने इसमें ना हो, लेकिन मैं यही कहूंगा बेशक बंद है अगर, लेकिन जो हमारा लीडर्स बोल रहा है, जो स्क्रीन पे उसका चल रहा है, उसको जो वो बोल रहा है उसको देखें, और वो बोल क्या रहा है, समझा क्या रहा है, उसको ग्रहण करें। अगर वो जो लीडर हमारा ओपीपी दे रहा होता है और उस ओपीपी को उसकी स्क्रीन जो चल रही होती है उसको पढ़ेंगे, उसको सोचेंगे, तो वो जरूर जो है ना उसमें क्या होंगे। मैं खुद ड्राइविंग कर रहा था और मैं देख रहा था कि मैंने अपने उस स्क्रीन को देखते भी जा रहा था, तो मैं उसमें देख रहा था कि वो कितने कॉन्फिडेंस से वो अपनी बात को रख रहे थे। तो मैं ये हमारे एक लीडर्स का जो है ना होता है कि उनके अंदर की जो भावना होती है, उन्होंने ये बताया कि मैं 3 महीने में ही जो है ना अपना 6 स्टार किया और अपने जो जैसे सेंटर को रन कर रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक लीडर्स के लिए कि वो अपने 6 स्टार को अचीव उन्होंने किया, मैं बधाई देता हूँ उनको। और यही समय से मैं आपको यही कहूंगा, सभी समय से जुड़े, और इसमें बहुत कुछ है, अपनी हेल्थ के साथ साथ इसमें बहुत कुछ है जो पा सकते हैं, कि बार बार ये चीज समझाई जाती है, और इसको ग्रैड करें। तो थैंक यू सर, आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू केपी यादव जी, थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे साथ और भी लीडर्स हैं जो कि कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, और जो भी लीडर्स से बात करना चाहते हैं तो कुछ लीडर्स अपने वीडियो ऑन कर सकते हैं और अपनी बात को कह सकते हैं। अपने यूसुफ खान जी फिरोजाबाद से माइक पर म्यूट कर सकते हैं। वेलकम सर, वेलकम, वेलकम यूसुफ जी, माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप। यूसुफ खान जी फिरोजाबाद से, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही इनको। हर्ष जी आवाज आ रही है सही? यस सर, आवाज सही आ रही है। ओके सर, ओके, थैंक यू। यूसुफ खान जी फिरोजाबाद से अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। और हमारे साहिम खान जी हैं, कमल जी हैं फैजाबाद से, अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। वेलकम साहिम जी, वेलकम, वेलकम सर, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आवाज कम आ रही है आपकी? हाँ सर, वो यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा पीक रहता है, इस वजह से ठीक है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। बाकी सेशन बहुत अच्छा रहा सर, दोनों सेशन सुना बहुत सारी चीजें
आपकी आवाज, आपकी आवाज कट रही सर, आपकी आवाज नहीं आ रही नेटवर्क। किस तरह से हेलो मीटिंग में आना है, किस तरह सुनना है, क्या चीजें? हाँ जी सर।